84 में क्या हुआ था, 84 इंदिरा गांधी, तब कपड़ा दुकान था, तब किसी से नहीं मांगा, आज क्या मांगूंगा, कपड़े के बाद इसको लगाया। तो क्या क्या चीजें लगाते हैं यहाँ पे? कबाब, मटन चाप, चिकन चाप, भेजा फ्राई, चिकन भुर्जी मसाला। तो ऐसी क्या खास बात है कि रायपुर में लोग इतना पसंद करते हैं आपके कबाब? खा के देखो तो समझ में आएगा, पहले नहीं बोलता, खाओ और जाना। हाँ, तो कबाब कैसे लगाए जाते हैं यहाँ पे? ये 50 रुपए का एक, ये 60 रुपए का, ये 60 रुपए, भेजा 100 रुपए। अच्छा, और चिकन भुर्जी मसाला 200 रुपए प्लेट। सरदार जी, कैसे सोचा था आपने लगाने का कि कबाब लगाने यहाँ पे रायपुर में? इतना पूछोगे तो घाटे में जाओगे। 84 में क्या हुआ था, 84 इंदिरा गांधी, तब कपड़ा दुकान था, तब किसी से नहीं मांगा, आज क्या मांगूंगा, कपड़े के बाद इसको लगाया। लगाया था, चलेगा काम ये? क्यों नहीं चलेगा, मेहनत करेंगे, कभी गलत नहीं हो सकता। तो कहाँ से सीखा था आपने ये सब कबाब लगाया, किससे सीखा आपने ये? आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो ना, दिल्ली करोलबाग, चंदकीरा मास्टर। अभी जो कबाब का प्राइस है, तो उस टाइम पे जब आपने 84 में लगाया था, तो हाँ, कितने का देते थे? 4 रुपए। 4 रुपए का? हाँ। जो पुराने लोग अभी भी आते हैं तो बोलते हैं कि सेम टेस्ट है अभी भी? हाँ, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, आज आ जाओ, चाहे 10 साल बाद हो, वही टेस्ट दूंगा। अमूल बटर, तो हमारा बटर क्या एक्ट लग रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आ गया अमूल बटर। ये पेस्ट डाल दे, ये पेस्ट डाल दे। तो मैंने चाप तो बहुत जगह खाई है, बट मैंने दिल की शेप की बहुत कम जगह देखी है, रायपुर में देख रहा हूँ। तो हम लगवाने वाले हैं यहाँ पे मटन की चाप। और सदा जी, कितने लीटर लेंगे इसमें? हाँ, तो कितने लीटर? 2 अंडे। तो अब इसमें डालेंगे 2 अंडे। तो स्टाइल देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आ गया नमक, ये आ गई काली मिर्च, हो गया। तो सरदार जी, रायपुर में लोग खाने पीने के शौकीन है यहाँ पे? शौकीन नहीं तो कैसे चलेगा जी। ये ऊपर से बटर आ चुका है, और ये ब्लैक पेपर, सीपी, और ये लग गया इसमें डबल तड़का। हाँ, ये आगे साथ में प्याज, चटनी। मोहन चाप सेंटर का मटन चाप अंडा यहाँ पे लग चुका है। तो ये है इनकी प्लेट, जिसमें कि 2 चाप रहती है और साथ में 2 अंडे डाले जाते हैं। साथ में सर्व किया है प्याज के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। तो चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। और ये पूरे रायपुर में अपने चाप के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो चलिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ट्राई करूँगा ग्रीन चटनी के साथ। तो सरदार जी ने कमाल कर दिया है, उनकी चाप जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इन्होंने मटन यूज़ किया है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, साथ ही साथ जो उसमें अंडे डाले हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और खास बात है इनकी ग्रीन चटनी में, जो कि इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो आपको रायपुर में नॉनवेज के बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे, और ये वन ऑफ द बेस्ट है, काफ़ी लोग बहुत टाइम से यहाँ पे आते हैं, बहुत पुरानी शॉप है ये। तो सरदार जी, टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 7 से 12। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? डेली लगेगा, डेली लगता है, कोई छुट्टी नहीं रहती? कोई छुट्टी नहीं। और एड्रेस बता दीजिए किसको यहाँ पे आना था। MG रोड रायपुर, और दुकान का नाम बता दीजिए। मोहन सिंह कीमा चाप। तो अगर आप भी रायपुर में रहते हो और नॉनवेज लवर हो, तो यहाँ पे आके इनकी चाप जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।